नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं पतंजलि के स्टोर पे गया था कुछ कॉस्मेटिक खरीदने के लिए और मैंने उन्हें ऐसे ही हंसी हंसी में पूछ लिया कि भैया आपका जो सिम आने वाला है उसके बारे में आपको पता है। तो उन्होंने मुझे उस सिम के बारे में बताया क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और कंपेयर करना चाहता हूँ जियो के ऑफर के साथ में कि जियो का जो ऑफर चल रहा है जिसमें 2 GB आपको रोज मिलता है उसमें और उसमें कितना फर्क है और आपको क्या क्या मिलता है दोनों के अंदर और आपको कौन सा अच्छा रहेगा, कौन से में ज़्यादा स्पीड मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि पतंजलि की तरफ से लॉन्च इवेंट के दौरान न्यूज़ आई थी कि 144 का एक प्लान होगा जिसमें आपको 2 GB डेटा मिलेगा 30 दिन तक के लिए, यानी कि आपको 60 GB डेटा 144 रुपये के अंदर मिल जाएगा, जबकि आपको 2 GB डेटा जियो के सिम कार्ड में 198 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन वो आपको मिलता है 28 दिन के लिए 4G डाटा और आप 100 SMS रोज भेज पाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और 1.5 GB वाले प्लान है उनको मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पतंजलि का तो 2 GB का प्लान आया है, उसको कंपेयर करने से फायदा नहीं है। तो जब ये पतंजलि का सिम कार्ड लॉन्च हुआ तो वहाँ प्लान के बारे में तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि 144 का प्लान है, आपको 2 GB डेटा रोज मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया कि जो 2 GB का डेटा आपको मिल रहा है वो 3G होगा कि 4G होगा। इसके बारे में मैंने पतंजलि स्टोर पर बात की तो वो कह रहे भैया 4G होगा और स्पीड जो होगी वो जियो से काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो एकदम सोचने में पड़ गया कि ऐसे इतनी जल्दी से लॉन्च कर दिया, हंसी आ रही थी कि इतनी जल्दी से लॉन्च कर दिया, इनकी जो नेटवर्क वगैरह लगाना होता है वो सब कैसे इतनी जल्दी हो पाएगा और इतनी अच्छी स्पीड के लिए ये बोल रहा है। तो फिर उसने मुझे बाद में बताया कि भैया कि ये पहले से काम चल रहा था और इन्होंने नेटवर्क को सेटअप कर रखा है, अभी में जो सिम कार्ड दिए हैं वो इनके एम्प्लॉय को दिए गए हैं जो पतंजलि में काम करते हैं, पतंजलि स्टोर पर काम करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपको सिम कार्ड कब तक मिल रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आने वाले वीक में हमको सिम कार्ड जो है दे दिए जाएंगे और उसके अंदर 2 GB का डेटा मिलेगा 30 दिन के लिए 144 के रिचार्ज पे और कॉल जो है अनलिमिटेड रहेंगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 1200 कॉल कर सकते हैं आप एक वीक के अंदर, ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है और SMS की भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी SMS यहाँ पे कर सकते हैं वो भी उसी 144 के कूपन के साथ में, बाउचर के साथ में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो ये मैंने पूछा सेक्टर 62 में पतंजलि के स्टोर है, वहां मैंने ये पूछा तो तब मैंने आप लोगों के साथ में ये सारी जानकारी शेयर की। ऐसे में बड़ा तगड़ा कंपटीशन रहेगा जियो में और पतंजलि में, अगर सिम कार्ड मिलते हैं और अच्छे नेटवर्क आपको मिल जाते हैं तो पतंजलि का सिम कार्ड मुझे लगता है बेहतर होना चाहिए, लेकिन जियो ने इतना स्पीड इतना नेटवर्क फैलाया हुआ है हर जगह पर उसके नेटवर्क मिलते हैं, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि पतंजलि कहीं ना कहीं मात में खा जाए। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अगर पतंजलि ने 2 GB डेटा रोज आपको 144 के टैरिफ में दे दिया और हाई स्पीड मिल रही है आपको जियो से ज़्यादा, तो आप जियो को इस्तेमाल करेंगे या फिर आप पतंजलि के सिम कार्ड को इस्तेमाल करेंगे जिसको कि रामदेव बाबा स्वदेशी बोल रहे हैं। अगर ये बातें जो मुझे बताई गई हैं पतंजलि स्टोर वालों ने अगर सच हैं तो ऐसे में बहुत ही तंगड़ा कॉम्पिटिशन आने वाला है फिर से टेली कम्युनिकेशन मार्केट में, एक तरफ बाबा रामदेव और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी होंगे, हम लोगों को मजा आने वाला क्योंकि जितना कंपटीशन मार्केट में आएगा उतने हमारे प्लान सस्ते होंगे, टैरिफ सस्ते होंगे और हम लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और